दोस्तों, इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। नंबर वन, फ्रांस की लॉर्ड म्यूजियम में रखी मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग है, जो 1503 से 1519 तक फेमस इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया था। मशहूर होने के साथ यह पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग भी है, जिसकी कीमत 860 मिलियन डॉलर आंकी गई है। नंबर टू, इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो को 16 साल लग गए, जिसमें सिर्फ मोनालिसा की मुस्कान को ही बनाने में 12 साल लग गए थे। और यही मुस्कान इसे दुनिया भर में खास बनाती है, क्योंकि यह मुस्कान देखने वालों के मूड के हिसाब से बदलती रहती है। नंबर थ्री, मोनालिसा को बनाने के लिए लियोनार्डो ने स्फुमाटो इस्तेमाल किया था, जो अपने समय में काफ़ी आगे थी, और इसी वजह से इस पेंटिंग में ब्रश के निशान नहीं दिखते, जिसकी वजह से यह पेंटिंग जिंदा और रियल लगती है। नंबर फोर, रिसर्च के दौरान मोनालिसा की आंखों में कुछ लेटर और सिंबल के साथ पेंटिंग में कुछ नंबर भी मिले हैं, मगर इसका मतलब क्या है और लियोनार्डो ने इसे क्यों छिपाया, यह बात कोई नहीं जानता। नंबर फोर, कुछ लोगों का दावा है कि लियोनार्डो ने इस पेंटिंग के जरिए हमें एलियन के बारे में आगाह किया है, क्योंकि इस पेंटिंग में इटालियन भाषा में एक मैसेज लिखा है। इसका मतलब जवाब यही है, और जब इस पेंटिंग को मिरर में देखा गया तो एक एलियन जैसी छवि दिखाई दी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे।